शाहपुर पुलिस ने राहगीरों से मोबाइल लूट करने वाले 3 साथी लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इसके पास से पुलिस ने विभिन्न कंपनियों के लूट के 9 मोबाइल फ़ोन, घटना में प्रयुक्त एक अपाची मोटरसाइकिल, एक स्कूटी बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान मनीष चौधरी पुत्र नीबूलाल चौधरी, प्रियांशु यादव पुत्र देवेंद्र यादव निवासी बिछिया थाना शाहपुर तथा राहुल राव पुत्र शिवधर राव निवासी शिवपुर सहबाजगंज तथा कुलरिया जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। पुलिस लाइन के सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा और सीओ क्राइम परवीर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त भीड़भाड़ क्षेत्रों में राहगीरों का मोबाइल लूटकर फरार हो जाते थे। इसके पास से पुलिस ने लूट के 9 मोबाइल सेट बरामद किए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा और सीओ क्राइम परवीर सिंह ने बताया। इमरान चोटी के ये तो शाहपुर पुलिस की ये बहुत ही अच्छी कामयाबी है, जो अभी 89 इंस्पेक्टर वहाँ ज्वाइन किए हैं उनके बाद इन घटनाओं पे इन्होंने भी सार्थक प्रयास किया है, ऐसा मेरा कहना है कि आज जो ये पीसी है खास तौर से मोबाइल की बरामदगी के संबंध में है। 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं जो राहगीरों से मोबाइल की छिनैती लूट किया करते थे। 9 मोबाइल की बरामदगी हुई है और ये सब एक अपाचे मोटरसाइकिल से और ये स्कूटी पर सवार थे उसकी भी बरामदगी हुई है। एक अदद तमंचा भी बरामद हुआ है। एक अभियुक्त मनीष चौधरी करके है, एक अभियुक्त राहुल राय करके है और एक प्रियांशु करके है। ये गिरोह है प्रकार से पूरा गिरोह है, मतलब जो ये बिछिया और शिवपुर सहबाजगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं और ये लड़के अभी जो आए दिन कुछ घटनाएं हो रही थी जिसमें कि सूचना प्राप्त हो रही थी कि सफ़ेद स्कूटी और ये सफ़ेद रंग की अपाचे का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो स्कूटी का भी नंबर इन लोगों ने खरोच के चेंज कर दिया था और साथ ही साथ अपाचे जो बरामद हुई है उसका इन लोगों ने नंबर ही चेंज कर दिया था। तो कई दिनों से हम लोग लगे थे और गाड़ियों की रेकी पे हम लोगों का विशेष ध्यान था कि इस प्रकार की सफ़ेद स्कूटी या अपाचे जो कि शाम को 7 से 9 या 10 के बीच और जो सुबह 6 से 8 के बीच शहर में निकल रही हैं, तो उसी दौरान मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी इनके बारे में, एग्जैक्ट हमें जानकारी प्राप्त हुई और हम लोगों ने इनको मतलब घेराबंदी करके पकड़ा। इनके पास से 9 मोबाइल और ये 3 मिले हैं, बाकी अन्य भी इनके साथी हैं। अभी उसमें से भी कुछ लोगों का नाम प्रकाश में आया है और उस पर भी हम लोग अलग से काम कर रहे हैं और ये हमारी जी प्राथमिकता है कि लूट और स्नैचिंग करना है हमारी प्राथमिकताओं में। कम उम्र की लड़की लग रही है, पढ़ने वाले अब पढ़ने वाले तो बिल्कुल नहीं है, अभी मतलब पढ़ाई छोड़ चुके हैं। उसमें एक लड़का ये तो कक्षा 8 पास है, एक कक्षा 10 को पास किया कई वर्षों पूर्व उसने, तो अभी जो नए नए शौक़ हैं ठीक है तमाम तरह के, तो उन शौकों को पूरा ऐसा करने के लिए इनका कहना है कि हम इस प्रकार के ठीक है झपट्टा मार लूट हम किया करते थे, उसके बारे में ठीक है जानकारी ली जा रही है। आज की गिरफ्तारी है तो उसके बारे में क्या क्या इनका आपराधिक इतिहास कहाँ कहाँ से रहा है, कहाँ के मूल निवासी हैं और यहाँ क्या इनका क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, इनके अन्य कौन कौन थी साथी हैं, इसके साथ साथ इनके गैंग में एक अरे लाल रंग की अरे पल्सर का भी इस्तेमाल हो रहा है वो नहीं पकड़ पाए हम लोग, वो ठीक मौके से निकल गए, तो ये सब काम हम लोग अभी देख रहे हैं क्या है इसमें नहीं है जी। अंकुश ज़रूर लगेगा इनके पकड़े जाने से।